कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब भले चंगे होंगे। और आज फाइनली गुड न्यूज का टाइम आ गया है। अभी टाइम सिर्फ 9 बजे हैं सुबह के और दिन बुधवार है। नहा धो लिया, घर के सारे काम कर लिए कि फटाफट से हम चले जाएं। ये पहले चले गए हैं, अभी मुझे लेने आएंगे तब मैं इनके साथ जाऊंगी। और बस अब बेसब्री से इंतजार है। आप लोग भी देखिएगा क्या है गुड न्यूज। अयान, अयान क्या, तो बता दो क्या है। बाय बाय नहीं, अभी तो हाय हो रहा है। अभी बाय बाय कैसे कह दो? हाय, हेलो बोलो, हाय हेलो बोलो, कह दो मम्मा सॉरी सॉरी। और आज ना फ्रेंड्स, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि कोई चीज़ जब हमारे पास होती नहीं है ना, और वो चीज़ हम पहली बार ले रहे होते हैं ना, तो उसकी खुशी अलग होती है, चाहे वो कोई भी सामान हो। तो अभी इनको आने में टाइम है, तो मैंने कहा झटपट से तब तक मैं खाने की तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि नाश्ता ही हुआ था और इनकी पढ़ाई हो रही है दोनों की। ये देखिए खेल हो रहे हैं। तो आपने गेट की घंटी सुनी होगी, ये आ चुके हैं। और खाना बनाने का वीडियो मैंने शूट नहीं किया, बस फटाफट फटाफट खाना बनाया, क्योंकि पता नहीं वहाँ कितना टाइम लग जाता, क्योंकि बाकी काम ये कर आए हैं लेकिन जाएंगे टाइम लगेगा, इसलिए मैंने खाना भी बना दिया, क्योंकि ये सिर्फ नाश्ता ही करके गए थे और टाइम लग जाता है, भूख लगती है। तो करेला दाल चावल रोटी मैंने ऐसे जल्दी जल्दी सर्व कर दिया है थाली में, तो ये सब का लग गया है खाना। आप लोग भी खाना खा लीजिए, फिर खाना खा के चलते हैं हम लोग फटाफट से। और तैयार तो मैं सबसे पहले ही हो गई थी, ताकि मुझे तैयार होने में टाइम लगेगा, इसलिए पहले ही तैयार हो जाऊँ, काम बाद में करती रही। तो चलिए निकलते हैं, आप लोगों को भी साथ लेके चलते हैं। तो ये आ गए हम अपने अपार्टमेंट के नीचे और अपनी ले ली घोड़ा गाड़ी। और आज ना मैं बहुत दिनों के बाद, कई महीनों के बाद दिन में निकली हूँ दोपहर में, तो आज लग रही है कि हाँ गर्मी आ गई है, क्योंकि काफ़ी तेज़ धूप हो रही है, वरना घर के अंदर तो धूप देखने को भी नहीं मिलती, दर्शन भी नहीं मिलते हैं। और ऐसा नहीं है कि दोपहर का टाइम है तो भीड़ भाड़ नहीं है, काफ़ी चहल पहल है रोड पर, सब काम धंधे सबके चालू हो गए, सारे शोरूम सब कुछ ओपन हो रहे हैं। और पहुंचने वाले हैं हम अपनी मंजिल पे, रेड लाइट आ गई और ये पहुंच गए अपनी मंजिल पे। तो बस चलिए चलते हैं। और ये देखिए, एक कहीं भी स्कूटी से उतरते हैं तो पहले अपने बालों में कंघी ज़रूर करते हैं। ये देखिए, लड़कियों को तो लोग वैसे ही कहते हैं, इन लोगों को देखिए। तो शोरूम में अंदर जाने से पहले सबसे ज़रूरी काम ये हो गए हाथ सैनिटाइज, और ये हो गया टेम्परेचर चेक। तो नॉर्मल है मेरा टेम्परेचर, और इस तरीके से मैंने पहली बार चेक करवाया, क्योंकि ऐसे कहीं निकलना ही नहीं हुआ अभी तक। तो यहाँ पर ये बिल वगैरह और जो जो पेपर्स तुरंत तुरंत मिलते हैं वो सब ले रहे हैं काउंटर पे, बाकी हमारा सारा काम हो चुका है। तो ये पहले से आ गए थे इसलिए सारे काम कंप्लीट हो गए, वरना टाइम लगता और मुझे चलाना तो आता नहीं है, बस ऐसे ही देख रही हूँ, फीलिंग ले रही थी। ये सिखा देंगे तो ठीक है, पहले खुद ही सीख लें। तो बस वहाँ से हम निकल आए हैं, अभी तो ये वहाँ से ले कर आए हैं किसी को, क्योंकि ये भी नहीं चला पाते हैं, तो इसलिए साथ में ले आए हैं, अब धीरे धीरे सीखेंगे। तो सबसे पहले अब देखिए हम कहाँ चलते हैं, इनसे पूछते हैं ये कहाँ पे है संपत विनायक। संपत विनायक इधर ही है, इसी रोड पे। तो वहाँ से हम लोग आ चुके हैं, सबसे पहले हम लोग जाएंगे टेंपल, है ना, टेंपल ही चल रहा है ना, उसके बाद जाएंगे घर। और अभी बच्चे नहीं आए हमारे क्यों है? बच्चे नहीं आए, मुझे दिखाई नहीं दे रहा। ये रास्ते में ही संपत विनायक टेंपल, गणेश जी का मंदिर पड़ता है, जो भी यहाँ से गाड़ी वगैरह खरीदते हैं तो यहाँ पे ही पूजन करते हैं। तो सब जगह का कल्चर अलग अलग होता है, कैसे क्या कराते हैं, हमने तो कभी किया नहीं है गाड़ी का पूजन। तो फिर यहाँ पे जो है पंडित जी तो नहीं है, और लोग हैं जो पूजन करा रहे हैं, तो उन्होंने ही सब कुछ बता दिया है कैसे क्या करना है, क्या क्या सामान लेना है।
तो वो सब ले लिया। ये जो मंदिर है ना, ये रोड में ही है, बिल्कुल रोड के किनारे है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन यहाँ की कुछ पुरानी मान्यता बहुत है तो इसलिए इस तरीके से। और ये मंगाया इन्होंने सिंदूर और हल्दी, जो कि मैं लगा रही हूँ पूरी गाड़ी में, गाड़ी के पहियों में और सारी जगह थोड़ा थोड़ा सा लगा देना है नींबू रख के। तो हमारा प्लान तो पहले मंडे का था लेने का, लेकिन मंडे को क्या परिवार थी तो हमारे यहाँ नहीं लेते हैं कोई गाड़ी वगैरह। फिर सोचा तो आज ही सबसे अच्छा दिन बता रहे थे, क्योंकि मेरे पापा जी बता रहे थे फिर पंचक लगने वाले हैं तो बुधवार के बाद हम नहीं ले पाएंगे। तो ऐसे ऐसे करके आज हमारा अर्जेंट प्लान बना और आज ही हम लेके आ गए। तो वहाँ से पूजन वगैरह करके हम घर पे आए, और घर पे मैंने जो लड्डू बना के रखे थे, आप लोगों को पता ही है इसी खुशखबरी के लिए ये लड्डू बने थे। तो ये लड्डू मैंने इतने अच्छे सुरक्षित तरीके से बंद करके अलग बिल्कुल फ्रिज में साफ़ करके रख दिए थे, ताकि क्योंकि दो ही दिन हुए संडे को बनाए, आज वेडनेसडे है, तो आज मैंने निकाले हैं सबको बांटने के लिए, क्योंकि बाहर की मिठाई मैं किसी को भी नहीं दूंगी, ये अपने हाथ से साफ़ सुथरे तरीके से बनाए हैं। और ये कुछ सामान यहाँ पे पंडित जी ने मंगवाया है, मतलब हमारे बगल में जो रहते हैं वो एक बार फिर से गाड़ी का पूजन घर पे कर रहे हैं। मंदिर में तो हो गया था, फिर भी हमने कहा घर में एक बार करवा लेना चाहिए, तो यहाँ पे भी हो गया है पूजन। और सबको मैंने मिठाई बांट दी है अपनी हाथ से बनी हुई, क्योंकि अपने हाथ से बनी हुई मिठाई की बात ही अलग होती है। आप लोग भी खा लीजिए भाई, यहाँ बच्चों को तो बंट गई है। तो आज का दिन तो पूरा भाग दौड़ में ही निकल गया, पूरा दिन पता ही नहीं चला कैसे निकल गया। और अयान के पापा तो इतने एक्साइटमेंट में है कि जब आए थे तभी आधे घंटे नीचे, अभी आज ही सीखते रहे हैं गाड़ी, लग रहा है बहुत जल्दी सीख जाएंगे। और आपके बहुत सारे सवाल होंगे, वो सब अभी बताएंगे कहाँ से कितने के लिए क्या की है। कार की चाबी, ठीक है, इसकी चाबी है कार की। अयान, पापा की कार की चाबी कहाँ है? नई गाड़ी की चाबी कहाँ है? चाबी किधर है? जीरा कार। तो फ्रेंड्स, ये है हमारी नई गाड़ी की नई की रिंग। तो जैसे गाड़ी उसके हिसाब से की रिंग भी लेना ही पड़ेगा। इससे पहले अगर आप देखेंगे, जो मैं स्कूटी यूज करता था उसका की रिंग यही है जो कि गाड़ी के साथ ही आया है, तो होंडा का। अभी भाई जैसे गाड़ी आई वैसे लेना पड़ेगा ना। और हाँ, मैं थोड़ा सा एक्साइटेड हूँ, इनफैक्ट हम सभी एक्साइटेड हैं, पहली गाड़ी है। और एक्चुअली क्या है कि हम जो चीज़ अंदर से फील करते हैं वो शो हो जाता है, उसको छुपा नहीं पाते हैं। ये भले बच्चों वाली हरकत हो सकती है, लेकिन ये वी आर एक्साइटेड। ये इसको हम ऐसे फिक्स करेंगे, इसको हम यहाँ ऐसे लगा सकते हैं, और इसको भी मैं एक्साइटमेंट में ही दिखा रहा हूँ ऐसे, ठीक है ना? ऐसे नजर क्यों मार रहे हो मेरे कमर में? फ्लेवर जोड़ना पड़ता है ना। तो जब तक अयान के पापा ड्राइवर के लिए फ़ोन पे बात कर रहे हैं गाड़ी सीखने के लिए, तो मैंने कहा चलो जब तक मैं दाल साफ कर ले रही हूँ, क्योंकि आज सिर्फ खिचड़ी बनने वाली है हमारे यहाँ मूंग की दाल की, क्योंकि सुबह काफ़ी हैवी खाना हो गया था, दाल करेला सब्जी रोटी, तो किसी को ज़्यादा भूख भी नहीं है। मैंने कहा जल्दी से यही खिचड़ी ही बन जाएगी, तो यहाँ मैंने दाल चावल साफ करके रख लिए हैं, और बस फटाफट से खिचड़ी बनाने में कितना टाइम लगता है चढ़ा दूंगी, तो नंदिनी देख लेगी जब वो पक जाएगी, उसके बाद छौंक लगा देंगे। और आप लोगों से बहुत सारी ढेर सारी बातें भी करनी है गाड़ी को लेके। और ये देखिए, इनके हैंड वॉश यहीं पे हो जाते हैं किचन की सिंक में ही हैंड वॉश हो गए, यहीं पर इनके शेर ने नहा लिया, इनके शेर ABCD 1 2 3 सब यहीं पर रोज़ नहाते हैं, यहीं से रोज़ नहा के जाते हैं, फिर पढ़ाई करते हैं। ये देखिए, चलिए। तो फ्रेंड्स, फाइनली गुड न्यूज आ ही गई आप लोगों के सामने। बहुत सारे गेस्ट लगाए आप लोगों ने, किसी ने कहा इन्वर्टर लगवा रहे हो दी, किसी ने कहा आरू लगवा रहे हो, किसी ने कहा वो भी एक गेस्ट था अपना, क्यों जाता है वहां भी दिमाग कि अयान का कोई बहन भाई आने वाला है, ये गुड न्यूज है सर हमारी है। तो बहुत सारे गैस लगाए, और कुछ लोगों ने एकदम सही गैस लगा लिया कि आप कार ले रहे हो। अब इसकी जरूरत ना हम लोगों को बहुत आ चुकी थी, क्योंकि बच्चे घूमने नहीं जा पा रहे थे, स्कूटी में इतने जा नहीं सकते, बच्चे रह जा रहे थे, तो हमने इसको बहुत दिन से सोच रहे हैं, और बहुत दिन से तुम सर्च भी करने में लगे हुए थे ना कि जल्दी से जल्दी हम कार खरीद लें, कौन सी खरीद लें, तो एक बच्चों वाली टेंशन कम हो गई है। बोलना चाहते हैं आप लोगों से, बहुत सारे सवाल हैं आपके तो। यार कैमरा सही से सेट कर, जब मैं बोल रहा हूँ मेरी शक्ल अच्छी आनी चाहिए यार, ये गलत बात है। तो दोस्तों काट दो मेरे को, कैमरा से ही बाहर कर दो, इग्नोर करते हैं। तो दोस्तों बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है, एंड आई वाज स्वेटिंग लाइक एनीथिंग, अभी अभी पसीना पहुंच कर आ रहा हूँ,
ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे ऑल्टो 800 के लिए कैसा एक्साइटमेंट, अरे जिसकी साइकिल पर चलने की औकात नहीं हो उसको ऑल्टो 800 भी मिल जाए ना तो बहुत एक्साइटमेंट होता है, पसीने छूट जाते हैं। मैं अपनी नहीं इसकी बात कर रहा हूँ, पसीना भी इसी का पहुंच के आया था। दोस्तों जितना एक्साइटेड हम लोग हैं उतना ही एक्साइटेड आप लोग भी होंगे, और आप लोगों के मन में बहुत सारे सवाल होंगे जिन सवालों का आप लोग आंसर चाहते हो, आप लोग पूछना चाहते हो उन सवालों को। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि आपके एक एक सवाल का हम लोग अच्छे से जवाब दे सकें। सबसे पहला सवाल ये हो सकता है आप लोगों का कि ये जो गाड़ी है वो कौन सी है, किस कंपनी की है। तो ये मारुति सुजुकी की ऑल्टो 800 है और हमने इसको सेकेंड हैंड खरीदा है, ठीक है। दूसरा, अब ये कितनी पुरानी है, ये 2 साल पुरानी है और करीब 25,000 किलोमीटर चल चुकी है। सबसे जो इम्पोर्टेंट सवाल यहाँ पे हो सकता है कि गाड़ी कितने की पड़ी, तो ये हम गाड़ी पड़ी नहीं थी यार, कहाँ पड़ी थी, शोरूम में रखी थी ना, हाँ शोरूम से लेके आए, पड़ी नहीं थी। तो ये हमको 2.5 लाख की पड़ी हुई है। फिर पड़ी बोला यार ऐसा क्यों, मतलब यार अपनी गाड़ी को वैसे कैसे बोल सकते हैं, तुमको पड़ी मिली है मुझे लगता है, जेब में डाल के लाए हो उसे, घर में आके निकाला है। तो ये गाड़ी हमने 2,50,000 की खरीदी है। सेकंड हैंड क्यों खरीदी, क्योंकि मुझे ड्राइविंग नहीं आती है। क्यों नहीं आती है, मारुति इग्नोर करते हैं। मारुति सुजुकी की क्यों खरीदी, क्योंकि रीसेल वैल्यू अच्छी होती है, और अगर आप पहली बार कोई गाड़ी खरीद रहे हो अगर आपको ड्राइविंग नहीं आती है तो मारुति सुजुकी ऑल्टो 800 एक बहुत अच्छी फैमिली कार है, इसकी रीसेल वैल्यू भी आपको अच्छी मिल जाती है। और क्योंकि गाड़ी ज्यादा पुरानी नहीं है, सिर्फ 2 साल पुरानी है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमको 1 साल चलाने के बाद एक अच्छी वैल्यू उसकी मिल जाएगी। तो चलिए अब पूरी गाड़ी आपको दिखा देते हैं कैसी लगती है, सिनेमैटिक व्यू में। तो फ्रेंड्स ये है हमारी गाड़ी, एक बार आप लोग भी पूरी देख लीजिए कैसी लग रही है। और ये सब मुझे पता है आप लोग भी बहुत खुश होंगे जितना खुश मैं हूँ। और सच में आपको मेरी गाड़ी और आज का वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि न्यू वीडियोज न्यू ब्लॉग्स आपको डेली डेली ऐसे ही मिलते रहें। बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।